हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एट द रेट सर्वर हुसैन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज्यादा। ये 3-4 मिनट का छोटा एक वीडियो होने वाला है, एक ऐसी मैंने क्रिकेट से ही रिलेटेड है। ठीक है, अभी तो हम लोग बहुत सारे स्पोर्टिंग इवेंट करा रहे हैं, तो सोचा मैं इसको कंप्लीट कर दूं। क्या पता है एमटीएस के एग्जाम में आ जाए, उसके बाद तो सीएचएसएल और सीजीएल वगैरह सभी कुछ है, डब्ल्यूबीसीएस मेंस है, फूड एसआई भी आने वाला है। ये सब कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग फूड एसआई में ज्यादा फोकस करेंगे, हर सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और बंगाली का अलग से क्लास करेंगे, वो भी बोर्ड में करेंगे। ठीक है, तो आइए आज हम लोग देख लेते हैं। आज जो ये क्रिकेट का टॉपिक है, इसमें दो टूर्नामेंट का बारे में बात करेंगे और दोनों का नाम सेम है, एक मेंस वाला था एक वुमेन्स वाला था। क्या नाम था? एसीसी इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2023, एक मेल और एक फीमेल। तो ये जो मेन्स वाला था ये 5वां एडिशन था और ये ओडीआई फॉर्मेट में हुआ था, यानी कि 50-50 ओवर्स में। और ये कहाँ हुआ था? 13 से लेके 23 जुलाई, आजकल डेट भी याद रखिएगा, एग्जामिनर कुछ भी पूछ रहे, 13 से लेके 23 जुलाई श्रीलंका में होता है। और इसमें चैंपियन कौन होता है? पाकिस्तान ए का टीम इंडिया ए को 128 रन से हराकर चैंपियन होता है। और फाइनल होता है आर प्रेमदासा स्टेडियम, जो कि कोलंबो में है। और फाइनल का मैंने हमेशा कहा, फाइनल का जो प्लेयर ऑफ द मैच है उसका नाम याद रखिएगा। तो फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच होते हैं तैयब ताहिर, पाकिस्तान के प्लेयर है, जो कि जीतता है उसी से ही होता है प्लेयर ऑफ द मैच, सबको पता होना चाहिए। और पूरा टूर्नामेंट में मोस्ट रन, सबसे ज्यादा रन कौन स्कोर किया? अविस्का फर्नांडो 255 रन। और सबसे ज्यादा विकेट और मैन ऑफ द सीरीज, यानी कि प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको मिला है? वो हमारे हिंदुस्तान के निशांत सिंधु, जिन्होंने 11 विकेट्स लिया है। ठीक है, ये विकेट्स भी लेते हैं और इनको ही प्लेयर ऑफ द सीरीज भी घोषणा किया जाता है। और ये जो एसीसी इमर्जिंग टीम एशिया कप है, ये सबसे पहली बार होता है 2013 में सिंगापुर में होते हैं। पूछा जा सकता है आपको, पहला चीज हमेशा इंपॉर्टेंट है। और उसमें हिंदुस्तान का टीम ने पाकिस्तान को हराया था। ओके, और ये जो भी हुआ 5वां एडिशन मैंने कहा। अब हम लोग वुमेन्स वाला में आते हैं। वुमेन्स वाला मेन्स वाला से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये पहला एडिशन है और ये T20 फॉर्मेट में हुआ था। एसीसी वुमेन्स T20 इमर्जिंग टीम एशिया कप 2023। और ये कहाँ होता है? ये 12 से लेकर 21 जून, यानी कि ये पहले ही हो जाता है, हांगकांग में होता है। और इतना खराब वेदर था वहां, मैक्सिमम जो मैचेस है ना, पूरा वॉश आउट हो गया था बारिश का वजह से। कुछ कुछ ही मैच हो पाया है, वो भी कम ओवर कर करके हुआ है। तो इसमें कौन जीतता है? पहला वाले एडिशन में, पहला एडिशन में हमारा प्यारा हिंदुस्तान इंडिया ए टीम जीतता है बांग्लादेश ए टीम को हरा के 31 रन से। ओके, और ये जो हमारा हिंदुस्तान का टीम था उसमें कैप्टन कौन थी? श्वेता शेरावत जी। ठीक है, और प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में कौन होता? कनिका आहूजा। और प्लेयर ऑफ द सीरीज, यानी कि गर्ल्स लोग कहिए, प्लेयर ऑफ द सीरीज और मोस्ट विकेट एक ही जन का है, उनका नाम है श्रियंका पाटिल, जिन्होंने 9 विकेट्स लिया है। अच्छा, मैंने दोनों में कहा, आपने सुना होगा एसीसी। ओके, तो ये जो एसीसी है इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है एशियन क्रिकेट काउंसिल। ओके, और ये 19 सितंबर, यानी कि आज से 10 दिन बाद आने वाला है, 19 सितंबर 1983 में बनता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलंबो में है। ये अच्छा सवाल है। और इसका जब बना था तो इसका नाम एशियन क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था। 1993 में इसका नाम चेंज करके एशियन क्रिकेट काउंसिल किया गया। और इसमें मौजूदा आज का दिन में कितना टीम है? 25 कंट्रीज इसमें मेंबर है। और प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है जयशाह, जी हाँ, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह के बच्चे जयशाह, जो कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी हैं, वही प्रेसिडेंट है। और वाइस प्रेसिडेंट जो है उनका नाम है पंकज खीम जी, जो कि ओमान से बिलोंग करते हैं। और इनका इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे अभी पता चला, ये जो है एकमात्र दुनिया के हिंदू शेख हैं। शेख लोग तो ज्यादातर मुस्लिम होते हैं, एकमात्र हिंदू शेख है। इनका पिताजी भी शेख थे, इनका दादाजी भी शेख थे। ओके, और ये जो एसीसी का जो प्रेसिडेंट भी जैसा मैंने कहा, तो पहला जब बना था मैंने 1983 में, उस टाइम पहले प्रेसिडेंट कौन थे एसीसी के? एनकेपी साल्वे, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं। तो ये छोटा सा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्यार बांटे, खुशियां बांटे और ज्ञान तो जरूर बांटे।